नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में जो हम लेके आए बिल्कुल कुल्लू बॉर्डर से। जी हाँ, यहाँ से थोड़े ही किलोमीटर दूर कुल्लू स्टार्ट हो जाता है और मंडी कुल्लू बॉर्डर पर मंडी जिला में ही ये जगह एक गांव पड़ता है नाऊ, और यहाँ पर एक बहुत ही विशाल जगराते का और एक यज्ञ का, जिसे जाग कहते हैं, उसका आयोजन किया जाता है हर साल। अंबिका माता मंदिर है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं, और अंबिका माता मंदिर के इस प्रांगण में बहुत ही भारी संख्या में लोगों का हुजूम आसपास के इलाकों से और काफ़ी दूर दूर के जिलों से भी यहाँ पर आता है और इस भगवती जागरण में पार्टिसिपेट करता है। मैं आपको बता दूं कि अभी 6:30 होने को हैं और ये पूरा जो जाग है ये 10 बजे और 11 बजे से शुरू होती है। इधर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये जो जंगल दिख रहा है आपको, इसके पीछे एक मंदिर है, यहाँ ऊपर हम अभी जाएंगे ट्रैक करते हुए। तो इस जंगल के पीछे वो मंदिर है जहाँ से एक मशाल आती है और वो मशाल धीरे धीरे जंगल के रास्तों से होते हुए यहाँ रिसीव की जाएगी। और वो तब जो माता का एक ये जो मैंने मंदिर कमेटी से पूछा, उनका चेहरा होता है वो उस मंदिर से इस मंदिर में यहाँ पर लाया जाएगा। तो हम आपको बताएंगे इसका काफ़ी, यहाँ मैं आपको बता दूँ जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, अपर हिमाचल के, मैं खासकर बात बताऊँ, उनके संस्कृति में जाग का विशेष महत्व है ऐसा माना जाता है। मैं आपको बता दूँ, ये काला महीना इसको मानते हैं, ये जो महीना इस वक्त चल रहा है अगस्त का, सितंबर का जो महीना है, अगस्त के एंड से शुरू हो चुका था सितंबर, ये हमारे जो हिंदू कैलेंडर उसके अनुसार निकाला जाता है। तो इस काले महीने में ऐसा बोला जाता है कि बहुत जो बुरी आत्माएं हैं और जो देवता होते हैं उनके बीच में युद्ध चल रहा होता है, और इस वक्त मान्यताओं के अनुसार जो भूत प्रेत हैं और ये सब जो चीज़ें होती हैं इनका निवारण किया जाता है। तो यहाँ भी हमको उस तरीके की चीज़ें काफ़ी देखने को मिलेंगी। तो इस रिपोर्ट के साथ बने रहिए। मैं आपको एक बात और बता दूँ, इस रिपोर्ट को प्रायोजित किया है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम, रतन सिंह सराफ एंड सन्स के, मंडी के मोती बाज़ार में इनका शॉप है। सोने की ज्वेलरी लेनी हो या चांदी की ज्वेलरी लेनी हो या डायमंड की ज्वेलरी लेनी हो तो रतन सिंह सराफ एंड सन्स में आप ले सकते हैं। 1928 से ये लोग अपने आपकी सेवा में उपलब्ध हैं मंडी में, बहुत पुराने ज्वेलर्स हैं। तो रतन सिंह सराफ एंड सन्स जो हैं वो इस पूरे भगवती जागरण को स्पॉन्सर कर रहे हैं। आपने पहले बिजली महादेव के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है वहाँ पर है, वो किस लिए फेमस है? बिजली महादेव तो बहुत पुरानी कथा है ना, वो सुना है बुजुर्गों से, बिजली गिरती है हमारे सामने, तो गिरी नहीं अभी ना, पहले 10-15 साल हो गए बिजली गिर के, शिवलिंग के ऊपर मतलब हर साल बिजली गिरती थी। हाँ। बस उस तरह से बिजली उसको जोड़ा, उसको फिर मक्खन के साथ जोड़ा देते हैं। अच्छा, आप बताइए सर, ये यहाँ के बारे में कहाँ सुना आपने और कैसा अभी आप फील कर रहे हैं? यहाँ के बारे में फील तो बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पहली बार आए हम लोग, तो इसके बारे में बहुत सुन रहे हैं, हम तो कुल्लू से हैं और बहुत अच्छा हो यहाँ पर मेला होता है और यही सुना है, अब तो देखते हैं अब क्या होता है। थोड़ा सा जाग के बारे में बताइए, क्या यहाँ कितने सालों से आप यहीं स्थानीय निवासी? कोई पता नहीं, हाँ स्थानीय निवासी, इसका कोई पता नहीं है, बहुत मतलब बहुत पुराने समय, ये सैकड़ों साल। क्या क्या विशेष होता है यहाँ पे, थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे? इसका ऐसा है, जिसको खुलाया है पलाया है भूत है प्रेत, वो सारा दूर हो जाएगा। माता ऊपर से आएगी रात को 10 बजे आएगी, यहाँ को 11 बजे पहुँचेगी। उसके बाद बड़े आदमी होंगे यहाँ कुल्लू मंडी बिलासपुर से लेकर के आदमी। मैं तेजराम शर्मा, अंबिका माता कमेटी नाऊ,
ये आज के दिन हमारे माता देवी अंबिका का जन्मदिन होता है, इसके उपलक्ष्य में हम माता का उत्सव मनाते हैं और माता जो है एक खारे के रूप में रांगड़ भंडार से नाव मंदिर तक आती है, जिसमें कि पनाव वाले वेलकम माता का करते हैं और फिर जैसे ही माता मंदिर में प्रवेश करेगी, कुछ लोग जिनको भूत पिशाच जो लगा होता है, जैसे ही माता अंदर प्रवेश करेगी वैसे ही उनका भूत जो खाया पिलाया वो दूर हो जाएगा। उसके बाद हमारे तीन दिन का मेला होता है, यही इसका महत्व है जी। और क्या क्या कार्यक्रम और यहाँ पर होते हैं, जब माता जब नीचे पहुँचेंगी उसके बाद क्या क्या होगा? उसके बाद जैसे हमारे यहाँ कुछ नाव वाले मिसाल लेके आएंगे, यहाँ गेट के पास माता का वेलकम करेंगे। उसके बाद यहाँ से कुछ लोग और आएंगे कुटड़े वाले, वो भी माता का स्वागत इकट्ठा मिलके करेंगे और उसके बाद इकट्ठा होके यहाँ मंदिर में प्रवेश करेंगे और एक इसके रूप में एक जाग भी मनाई जाती है, मसाले से उसका वेलकम हम माता का वेलकम करते हैं। तो यही यहाँ का ये महत्व है। हमारे साथ रोशन लाल जी भी हैं जो कि कारदार हैं माता के, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या काम रहते हैं यहाँ पे सर, और कितना उत्साह हो रहता है आसपास के लोगों में इसको लेकर? यहाँ हर जगह से लोग आते हैं माता के आशीर्वाद लेने के लिए। बाकी माता का जो हमारे प्रधान जी ने बताया उसी ढंग से इसका कार्यक्रम चलता है। हमारे साथ पुजारी जी हैं धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि काफ़ी टाइम से इस मंदिर से जुड़े हैं, और इनसे आप थोड़े से हम पौराणिक कथाओं के अनुसार इस चीज़ की मान्यता के बारे में पूछे। सर क्या ये मान्यता है, जैसे माता आती हैं और ऐसा बोला जाता है, माना जाता है कि जो भूत प्रेत का जो साया होता है वो हट जाता है, इसके पीछे क्या मान्यता है? देखिए सर्वप्रथम आज डाकन चौदस का दिन है, आज का जो दिन है पूरे भारतवर्ष में डाकन चौदस के रूप में मनाया जाता है, और सौभाग्य से आज के दिन नाव अंबिका माता का जो ये मुख्य मोहरा है हमारा, आज के दिन इसकी उत्पत्ति हमारे गांव रांगण में हुई है, वहां से ये जलेब के जरिए आज यहां तक आएगा, और डाकन चौदस का दिन है आज। और जितने भी तंत्रोक्त पीठ मैं कहता हूँ पूरे भारतवर्ष में, तो उनमें से नाव एक तंत्रोक्त पीठ आती है। इसका अगर आपको उदाहरण चाहिए तो आप ठीक 10 बजे मंदिर में आकर के वहाँ अपना मीडिया फैलाइए, कितने आदमियों को उस टाइम खेल आएगी, कितनों को खाया पिलाया जो उनको है वो उनका उल्टी के माध्यम से बाहर आएगा। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर जागरण का ये जो टेंट लगा हुआ है, यहाँ जागरण का आयोजन किया जाएगा, बहुत ही खूबसूरत। पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितनी खूबसूरत पहाड़ है, ये कुल्लू की पहाड़ यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं, तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ का, और एक छोटा सा मेला भी लग जाता है। मैं चाहूँगा इधर आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेला यहाँ पर मेले का भी आयोजन हो रहा है, और ये भी एक संस्कृति का पार्ट है कि ऐसे मौक़ों पे मेले भी, छोटे मोटे मेले भी और एक रोज़गार का साधन भी लोगों को उपलब्ध हो जाता है। और इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये है भगवती मंदिर, अंबिका मंदिर, और बहुत ही इसकी अभी लाइटिंग आपको हम रात के समय दिखाएँगे कि किस तरीके से रात को ये बहुत ही भव्य यहाँ का नज़ारा होता है, काफ़ी बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं मैं आपको बता दूँ। तो आप बने रहिए इस रिपोर्ट के साथ और काफ़ी मज़ा आने वाला है, और एक नई चीज़ आपको यहाँ दिखने वाली है, और अब हम ट्रैकिंग के लिए जाएंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ से वो जो मशाल है माता की वो शुरू होती है। तो अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं जो ऊपर वाला मंदिर है, जहाँ से मशाल आती है और जहाँ से माता का चेहरा जिसको कहते हैं वो आता है, और नीचे आप देख सकते हैं मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी सारे और भी भक्त हैं जो कि हमारे साथ चढ़ रहे हैं, तो अभी हम आपको दिखाते हैं ऊपर चढ़ के। तो आधा रास्ता हमने तय कर लिया है, आधा और बाकी है, जंगल बिल्कुल सुनसान और कैमरे की रोशनी बहुत ज़्यादा है इस पर, आसपास कोई भी नहीं है, बस झिंगूर की आवाज़ आ रही है। तो चलिए सफ़र जारी रखते हैं। मारते रहते।
तो 1.5-2 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग पैदल चल के जो नाऊ में माता का भगवती का मंदिर है अंबिका माता का, वहाँ से पहुँच गए हैं रांगड़ नाम की जगह पर। रांगड़ गांव है ये, और यहीं से शुरुआत होती है इस पूरे जो महोत्सव होता है, जो आज जो इतना बड़ा जाग जिसका जिसे कहते हैं स्थानीय भाषा में, उसका आयोजन किया जाता है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। मैं आपको अगर बताऊं, यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन एक, इसे आप अपनी भाषा में मंदिर बोल सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ मंदिर नहीं कहा जाता, इसे भंडार कहा जाता है। दरअसल माता का और ये इस जो हिमाचल का ये वाला एरिया है, यहाँ की खासियत है कि जो माता के जो भंडार होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं। भंडार का मकसद होता है कि जो भी संपत्ति जो माता को मिलती है, या फिर जैसे सोने या चांदी के आभूषण हो गए, या फिर जैसे करेंसी हो गई, तो वो उसे उसका जो भंडारण है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो ये जो आर्किटेक्ट है ये आपको अमूमन पूरे अपर हिमाचल में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भंडार जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हम मेरे पीछे देख सकते हैं ये घर, इस बार यहाँ पर जो माता है उन्हें रखा गया है, उनका जो चेहरा है, क्या कहते हैं सर उसको, मोहरा। हमारे साथ परस राम जी हैं, मैं आपको बता दूं, और ये यहाँ पर भंडारी हैं माता के, और उसका जो मोहरा होता है वो यहाँ रखा गया है। तो थोड़ा इनसे जानकारी लेंगे, स्थानीय हैं यहाँ के, और इस पूरी परंपरा के बारे में थोड़ा बहुत और हमको ये बताएंगे। सर, क्या यहाँ का ये जो सिस्टम है, ये कितने वर्षों से आपने क्या कहानियाँ सुनी अपने बुजुर्गों से, कब से चालू है ये? तो कोई 200-300 साल पहले पुरानी बात है। माता का मोहरा यहाँ नीचे खेत में मिला मक्की की गुड़ाई टाइम, फिर उसके बाद वहाँ से करली में लाया गया, फिर इस भंडार में रखा, यहाँ भंडार बनाया गया। फिर जो जन्माष्टमी के दिन माता को पूछा जाता है, तो मोहरा उतारने की डेट माता स्वयं देती है, फिर मोहरा करली में बिठाया जाता है। तो फिर अमावस्या से एक दिन पहले माता यहाँ से करली में नाव जाती है, तो यहाँ से जगनू मशाल, बड़ी मशाल, और करली में लोग माता को नाव पहुँचाते हैं, और फिर वहाँ जाग जलाई जाती है। सुबह 4 बजे रथ में उस मोहरे को चढ़ाया जाता है जी। और ये क्या सिस्टम रहता है, जैसे इस बार आप कह रहे थे कि उधर है, तो हाँ, हम यहाँ 4 परिवार हैं, तो ये साल की टलने मारी जाती है यहाँ माता के पास। तो इस बार ये भंडार अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा नहीं हुआ है, तो फिर हमारी आजकल हमारी कली हमारे घर में रहती है माता की जी। तो जब ये भंडार कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद यहीं से कली निकाली जाएगी माता की। तो वो जो परंपरा है फिर यहाँ से शुरू होगी, जो हमने आपको अभी विजुअल्स में दिखाया। एक और बहुत ही अच्छी यहाँ की मैं आपको बात बताऊँ दर्शकों, हमें लगी कि जो भी लोग आ रहे हैं बाहर से, किसी के भी घर में आप चले जाइए, आपको खाना और अगर आपको सोने का है तो सारा प्रबंध, जो वैसे सोता तो कोई है नहीं आज की रात, तो वो प्रबंध हो जाता है। खाने का बहुत ही मैंने हमें भी, जैसे कि हमने अभी यहाँ डिनर किया, उसको प्रसाद हम कह सकते हैं, माता का प्रसाद, बहुत ही भव्य तरीके से उसको बनाया गया, बहुत ही टेस्टी था, और इसे आप आशीर्वाद कह सकते हैं क्यों सर, जो मतलब ये माता, सब माता के नियमित बनाया जाता है, जो भी आते हैं उनको भोजन या प्रसाद खिलाया जाता है। तो ये भी अपने में एक क्या बोलेंगे, वसुदेव कुटुंबकम, जो हमारी संस्कृति है कि पूरा दुनिया एक परिवार है ना, मिलके उसी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, और एक बहुत बाहर से आने वाले लोग भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई दुकानें होटल तो है नहीं। नहीं, ये सिर्फ माता का पर्व है, इसमें सबको भोजन कराया जाता है, जो भी आते हैं श्रद्धालु आते हैं, जितने भी आएंगे 100-200 जितने भी एक परिवार के पास आएंगे उतने को सबको भोजन कराया जाएगा। बने रहिए इस रिपोर्ट के साथ। मैं आपको बता दूं कि रतन सिंह सराफ एंड सन्स मोती बाज़ार मंडी, ये स्पॉन्सर कर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को। तो उनकी शॉप में अगर सोने चांदी हीरे के अगर आपको लेने हैं ज्वेलरी, तो रतन सिंह सराफ एंड सन में आप जा सकते हैं, ये प्राइम स्पॉन्सर हैं हमारे इस शो के। तो देखेंगे थोड़ी देर में किस तरीके से यहाँ पे थोड़ा माहौल भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरी श्रद्धा के अनुसार जो माता की करली है वो यहाँ से निकलेगी। हर साल अलग अलग जो यहाँ 5 परिवार हैं, 4-5 परिवार, उन्हें मौका मिलता है जो माता की मोहरा होता है और जो करली जिसमें उन्हें ले जाया जाएगा, हम पूरे विजुअल्स आपको दिखाएंगे। और ये जो पीछे आप देख सकते हैं लकड़ी का जो ये पूरा घर है, और ये बहुत ही यहाँ की एक सुंदर आर्ट है कि लकड़ी का घर होता है अपर एरिया में। और यहाँ पे जो मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन जूम करे, यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग और ये इंतज़ार कर रहे हैं उस वक्त का। इस वक्त मैं आपको बताऊँ तो 9:30 हो चुके हैं और
लगभग 10:30 के आसपास माता का मुखोटा जो है, या जिसे हम कहते हैं मोहरा, उसे निकाला जाएगा यहाँ से। और ये बहुत ही अच्छा एक आर्किटेक्ट है लकड़ी का, और इस तरीके के आर्किटेक्ट अपर हिमाचल में देखने मिलते हैं। और ये वो भंडार है जिसकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले भी की थी। और ये वो घर है, मैं नीचे की तरफ चाहूँगा कि दिखाएं, ये वो घर है जो जहाँ पे हम लोग थोड़ी देर पहले बैठे थे। यहाँ आप देखेंगे हर तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग अब धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और इंतज़ार है उन्हें कि कब जो करली है माता की, जिसे हम छोटी पालकी का छोटा रूप भी कह सकते हैं, वो शुरुआत होगी यहाँ से मशाल के साथ। और वो नीचे जो नाव में होम जगराता जो हो रहा है नाव के मंदिर में, वहाँ पे वो पहुँचेगी। और ये पूरा का पूरा जो आयोजन है ये हम आपको दिखाते रहेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, मोती बाजार मंडी। सन 1928 से आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ आप पाएंगे सोने चांदी और डायमंड ज्वेलरी की विस्तृत रेंज। यहाँ पर आपको मिलेंगे लेटेस्ट ज्वेलरी के साथ साथ ट्रेडिशनल ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन भी। यही नहीं, आपके मन मुताबिक डिजाइन के गहने भी यहाँ ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। रतन सिंह सराफ एंड सन्स में ग्राहकों को समय समय पर दिए जाते हैं स्पेशल डिस्काउंट भी। तो उच्च गुणवत्ता और हॉलमार्क ज्वेलरी के लिए रतन सिंह सराफ एंड सन्स में आपका हमेशा स्वागत है। रतन सिंह सराफ एंड सन्स, मोती बाजार मंडी। हमारे साथ हमें यहाँ पर जो MLA हैं, विधायक हैं द्रंग विधानसभा क्षेत्र के, जवाहरलाल ठाकुर, वो भी मिल गए। इनकी भी बहुत आस्था है इस मंदिर को लेकर, और काफ़ी सालों से जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि ये इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। तो सर से कुछ पूछते हैं, सर कितनी आपकी अपनी कितनी आस्था है इस मंदिर में, कितने समय से आप यहाँ आ रहे हैं? ऐसा सर मेरी आस्था की बात नहीं, आस्था तो यहाँ पूरा जो है हमारा इलाका है उस सब लोगों की आस्था यहाँ पर जुड़ी है। और ये कुछ हमारे ऐतिहासिक स्थान हैं, इसमें हमारे जो खासकर इलाका शनूर में नाव अम्बिका माता का यहाँ प्रमुख स्थान है, आगे हमारे गणपति जी का है, शेषनाथ जी का है। तो ये तकरीबन जितना भी एरिया सभी देवी देवताओं की भूमि है यहाँ पे है। और यहाँ पे हर वर्ष जो है एक बहुत बड़ा, जैसा जो आज जो कार्यक्रम हो रहा है, अब रही एक बार बाद में। अच्छा ये सेकंड लास्ट थी, मतलब इसके बाद एक बार फिर एक बार पांच, ये चार होगी ना, और पांचवी होगी लास्ट में। और ये आई वो घर से आवाज ना, उसे लड़ी वाला
तो नाउ होम जाग का जो शुरुआत है वो रांगड़ विलेज से हो चुकी है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था। और ये जो माता का भंडार है वहाँ से थोड़ी सी पूजा अर्चना के बाद पूरा का पूरा जो काफिला ये नीचे चलेगा। और मुझे ऐसा बताया गया था पहले से कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है नीचे जो नाव का मंदिर है, जहाँ से हम ऊपर आए हैं थोड़ा सा ट्रैक करके। लेकिन यहाँ की भीड़ देख के मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, ये थोड़ा सा ट्रेलर हमको मिल गया। ये तो गाँव है, यहीं पर हमने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, तो नीचे का क्या माहौल होगा ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। तो आगे की हम आपको, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो हमने आपको एक आवाज़ का एक दिखाया कि आवाज़ लगाई जाती है, वो 5 बार आवाज़ लगाई जाती है। ये पुराने टाइम से सिस्टम चल रहा है जो नीचे वाले घरों के, उन घरों से फिर मशाल जो है वो ऊपर आती हैं, और उसके बाद ये पूरा जो काफिला है, माता का जो रथ है, छोटा वाला रथ जिसे करली कहते हैं, वो यहाँ से प्रस्थान कर जाता है। Yeah.
तो माता का मोहरा और जो करली थी जो हमने आपको दिखाया ऊपर से चली थी बहुत ही भव्य तरीके से नीचे नाव के मंदिर में पहुंच चुकी है, माता अंबिका के मंदिर में पहुंच चुकी है। मैं बताऊं यहां का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, मैंने अपनी लाइफ में इस तरीके का नहीं देखा। ऊपर से मशाले लेके लोग आ रहे हैं और बहुत भारी संख्या में, जिसको कहते हैं कि सुई रखने की जगह नहीं है, इतना खचा खच भरा है पूरा माता का प्रांगण। और इसी प्रकार का माहौल हमें बताया गया था कि इस तरीके से यहाँ पे इतनी भारी संख्या में लोग आते हैं। और मैं आपको बताऊं कि पुलिस का भारी बंदोबस्त है, फिर भी लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सबकी आस्था से जुड़ी हुई ये एक परंपरा है जो काफ़ी सदियों से चली आ रही है। और ये मशालों का जो सिलसिला है ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हमें पहले लगा था कि 50-60 लोगों के, पर ये तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 100-150 लोग अभी तक आ चुके हैं और अभी भी लाइन पूरी लगी हुई है ऊपर से, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ बताऊँ, जिस घर में हम अभी खड़े हैं यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितने ज़्यादा भारी संख्या में लोग यहाँ पर गैदर्ड हैं और देख रहे हैं। और इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ भी दूर दूर तक, मैं जितना मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन इधर दिखाए, दूर दूर तक अगर देखा जाए तो लोग ही लोग बस मतलब दिखते हैं। और पीछे वाली बिल्डिंग में यहाँ थोड़ा अंधेरा तो दिख नहीं रहा है। और यहाँ मैं दिखाऊँ आपको ये जो टेंट है इसके अंदर भी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। और ये देखिए नीचे मशालें यहाँ से भी चल रही हैं और ये यही इन्हें रिसीव करेंगे, तो ये एक परंपरा, ये रिसीव करेंगे। और वहाँ से जो ऊपर से हमने आपको दिखाया था जो एक काफिला ऊपर से चला, वो यहाँ मिलन करेगा, मिलनी जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में, खचा खच भरा हुआ नाव माता का, अंबिका माता का ये प्रांगण। और आगे आपको विजुअल देखते रहिए, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा आस्था है लोगों की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स मोती बाजार मंडी, सन 1928 से आपकी सेवा में तत्पर। यहां आप पाएंगे सोने चांदी और डायमंड ज्वेलरी की विस्तृत रेंज। यहां पर आपको मिलेंगे लेटेस्ट ज्वेलरी के साथ साथ ट्रेडिशनल ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन भी। यही नहीं, आपके मन मुताबिक डिजाइन के गहने भी यहां ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। रतन सिंह सराफ एंड सन्स में ग्राहकों को समय समय पर दिए जाते हैं स्पेशल डिस्काउंट भी। तो उच्च गुणवत्ता और हॉलमार्क ज्वेलरी के लिए रतन सिंह सराफ एंड सन्स में आपका हमेशा स्वागत है। रतन सिंह सराफ एंड सन्स मोती बाजार मंडी। और हाजिरी भी इस दरबार में आप सभी की लग जाएगी, उठाइएगा दोनों हाथ और जोरदार तालियां बजाइएगा आप सभी अपने आप के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, उस आवाज को आवाज निकालते हैं जिसका है आप सभी को बेसब्री से इंतजार, जिसके गानों में आप सभी हाजिरी।
कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स मोती बाजार मंडी। सन 1928 से आपकी सेवा में तत्पर। यहां आप पाएंगे सोने चांदी और डायमंड ज्वेलरी की विस्तृत रेंज। यहां पर आपको मिलेंगे लेटेस्ट ज्वेलरी के साथ साथ ट्रेडिशनल ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन भी। यही नहीं, आपके मन मुताबिक डिजाइन के गहने भी यहाँ ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। रतन सिंह सराफ एंड सन्स में ग्राहकों को समय समय पर दिए जाते हैं स्पेशल डिस्काउंट भी। तो उच्च गुणवत्ता और हॉलमार्क ज्वेलरी के लिए रतन सिंह सराफ एंड सन्स में आपका हमेशा स्वागत है। रतन सिंह सराफ एंड सन्स मोती बाजार मंडी।
देखा दर्शकों आपने कि हमने आपको बताई कि जाग जो नाऊ में किस तरीके से मनाई जाती है। मंडी विधानसभा मंडी डिस्ट्रिक्ट का ही एक क्षेत्र पड़ता है, लेकिन यहाँ से कुछ दूर पे कुल्लू बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो सुबह हो चुकी है, सुबह के 6 बज चुके हैं और पूरी रात हमने प्रमुख जो गतिविधियाँ रही हैं इस पूरे मंदिर की वो कवर करके आपको दिखाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं लेकिन कि आप भी इस जगह एक बार आएंगे तो खुद आपको एक अलग सा एक एहसास होगा और हमारे लिए भी एक अलग सा एक्सपीरियंस था इस प्रकार के एक धार्मिक आयोजन को कवर करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस रिपोर्ट को देखने के लिए। साथ ही एक बार मैं आपको फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रतन सिंह सराफ एंड सन्स का, मोती बाज़ार में इनका शोरूम है ज्वेलरी का, जो हमारे स्पॉन्सर बने इस कार्यक्रम के और उन्होंने इसे स्पॉन्सर किया, और साथ ही सभी लोगों का, मंदिर कमेटी का नाऊ में,
और जितने भी लोगों ने हमारे जहां हम गए थे वो ऊपर मंदिर में जहां से माता की जो करली है उसे नीचे लाया गया था, तो वहां के लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और यहां की मेहमान नवाजी भी बहुत ज़बरदस्त हमें लगी। तो ये बहुत ही बढ़िया एक एक्सपीरियंस रहा। तो मंडी मनाली जो हाईवे है NH 21 उस पर टनल क्रॉस करने के बाद बनारसा नाम का एक छोटा सा कस्बा आता है, वहाँ से एक लिंक रोड आता है और यहीं पे नाउ एक पंचायत है और इसी में ये बहुत ही भव्य तरीके से पूरी जाग का आयोजन किया जाता है। तो उम्मीद है आप खुद अगर एक बार आएंगे यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको बहुत एक अलौकिक और एक अलग तरीके का एक एहसास होगा इस पूरे इवेंट को विटनेस करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस रिपोर्ट को देखने के लिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब के ऊपर POLE*HIMACHAL, उसे सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ ही फेसबुक पे भी हमारा पेज है POLE*HIMACHAL, उसे भी आप लाइक कर सकते हैं और साथ ही केबल नेटवर्क फास्टवे मंडी में 83 नंबर पे आता है तो उस पे भी आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस रिपोर्ट को देखने के लिए, नमस्कार। ओम शांति।